अलीराजपुर जिले के ग्राम ककरारा में मंदिर के किनारे से गुजर रही नर्मदा नदी से एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ, जिसे जिला चिकित्सालय अलीराजपुर में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जैसे ही शव नदी में से बरामद किया गया, उस शव के फोटो को सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा वायरल किया। महिला की शिनाख्त रूपाली पति राहुल पटेल निवासी कोगांव के रूप में हुई। रूपाली के परिजनों को जब इस संबंध में सूचना मिली तो परिजन जिला चिकित्सालय अलीराजपुर पहुंचे, जहां पर परिजनों ने रूपाली की पहचान कर ली। शव का सिर पूरी तरह से गल चुका है। मंडलेश्वर से ककराना लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक रूपाली का शव 15 दिवस में नदी के बहाव के साथ बहकर ककराना के मंदिर किनारे आकर रुक गया। आपको बता दें कि रेलिंग पर बैठी रूपाली अपना फोटो खींचा रही थी कि संतुलन बिगड़ जाने के कारण रूपाली नदी में गिर गई, जिस पर राहुल ने रूपाली को खूब ढूंढा लेकिन रूपाली नहीं मिली। आखिरकार शुक्रवार की सुबह रूपाली का शव ग्राम ककराना में नर्मदा नदी के मंदिर के किनारे मिला। सूचना मिलने पर सोंडवा पुलिस द्वारा मार्ग कायम कर लिया गया है। खरगोन से अजय तिवारी, रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।